हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है गुरुवार और अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं और बस खाना पीना हो गया है और सारा काम हो गया है। दिन भर से बहुत बिजी थे क्योंकि आज मुझे हो रही जाना है तो और रियान ही जा रहे हैं, रियान के पापा नहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल तैयार हैं। बैग वैग लग गए हैं, ये रखे हुए हैं बैग, रियान भी तैयार, तो हम तैयार बैठे हैं बिल्कुल। और बस रियान के पापा हमें ड्रॉप करने जाएंगे बस तक, और हमारी बस है रात के 10 बजे और हमें निकलना होगा 8:30 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि वहाँ हमें रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा। और हमें बस लेना है अशोक नगर मेट्रो स्टेशन से, तो थोड़ा सा टाइम लगता है जाने में, लगभग 1 घंटा लगेगा मुझे वहाँ तक पहुँचने में। और मैं रेडी हूँ और बस जाने की ही देरी है, बैग वैग लग गया है और निकलूंगी मैं 8:30 या 8:15 पे निकलूंगी। और अभी 8:10 हो रहा है, चलो पहनो चप्पल। जय बाहुबली। यार ऐसे नहीं उठाना है। ये वाला ले लो, छोटा वाला ले रख दो नीचे, ऐसे लेने की क्या जरूरत। अरे पापा, चलो लो इसको ले लो, छोटा वाला ले लो, मैं ले। तो यहाँ रियान बहुत खुश है और ये खुशी है नानी के घर जाने की जो सभी को होती है। और यहाँ बस हम लोग नीचे आ गए हैं और रियान के पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं बस तक, तो हमें बस में बिठा देंगे और इसके बाद वो वापस आ जाएंगे। और हमारी बस है अशोक नगर मेट्रो स्टेशन से, हमें बस मिलेगी उरई के लिए। फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं और बस अभी रुकी हुई है, सवारी भर रही है और अभी थोड़ी देर में चलेगी। तो बस चल रही है और ये देखिए निकल गई है और हम रियान बैठे हुए हैं। लेट हो गया है यहाँ, कितना टाइम हो रहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ, 10:30 बज गए यार। दोनों लेट गए हैं और मेरी हालत थोड़ी है खराब है इसी की वजह से। बंद है फिर भी इतना कुछ काम हो रहा, बहुत दस बहुत ज़्यादा है इसलिए दवाई भी खानी है और अभी भी तो सुबह 6 बजे बस उरई पहुंच गई थी और यहाँ पे रियान के मामा हमें लेने आ गए थे, तो बस हम लोग गाड़ी में बैठ के अब गांव के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, खेतों में खूब पानी भरा हुआ है और खूब हरा भरा सा दिख रहा है। तो गाँव में थोड़ा अच्छा ही होता है और खूब हरियाली होती है, एकदम से साफ मौसम होता है और एकदम से शुद्ध हवा होती है। और नोएडा में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, बस बादल तो आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, बस सोचते ही रह जाते हैं कि आज बारिश होगी आज बारिश होगी, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। और गांव में तो बहुत ही बारिश हो रही है। और ये है हमारा गाँव और हम लोग पहुँच गए हैं। सामान लेता अरविंद
तो यहाँ पे हम घर पहुँच गए हैं और ये मौरी छठ आ गई है। तो ये एक दिन पहले आ जाती है, लड़की वालों के यहाँ से आती है, लड़के वाले के घर आती है। तो इस साल रियान के मामा की शादी हुई थी तो इसीलिए मेरे घर पे ये मौरी छठ आई हुई है। और ये सारा सामान आता है, कपड़े वगैरह आते हैं और ये सब रखे हुए हैं डब्बे। तो इनमें कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, गृहस्थी का सामान होता है। तो जो भी सामान आता है उसको ऐसे फैला के रखा जाता है जो कि मतलब जो भी आएगा उसको दिखाना होता है। तो इसके बाद यहाँ पे बुआ हैं, चक्का वगैरह रख के देख रही हैं कैसा आया है। और यहाँ पे खाना भी खिलाया जाता है आज के दिन। और बस इसके बाद खाना वाना खा के फ्री होके फिर हम लोग जाते हैं मौरी छठ सिराने। तो यहाँ पे आंटी जा रही हैं मौरी छठ को लेके सिराने जा रहे हैं हम लोग तालाब पे। और इसमें मौरी छठ में वो ही होता है जो भी पूजा का सामान होता है शादी का, उसको लेके जाते हैं और तालाब में सिरा देंगे। और जितने भी लोग आते हैं, बुआ वगैरह आती हैं, मौसी मामी वगैरह आती हैं, तो वो सब लोग जाते हैं और फिर साथ में जाते हैं। और आज इतनी बारिश हो गई थी और इतना कीचड़ वगैरह हो गया था, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो गया था। तो ये जिला जालौन के रीति रिवाज होते हैं, तो ये हमारे यहाँ का रिवाज है। और यहाँ पे ये मौरी छठ वगैरह सिरा दी है। तो जो कलसी में जो भी सामान था वो इन्होंने तालाब में सिरा दिया है और कलसी में उसी तालाब का पानी भर के घर आएंगे। और ये गांव का तालाब है और ये पहले इतना साफ सुथरा रहता था। पहले जितने भी तालाब हैं गांव के वो बहुत साफ सुथरे होते थे, पानी को खाते थे, पानी यूज करते थे। लेकिन अब ये तालाब इतने गंदे हो गए और इतना गंदा पानी है इसका और इसी को पानी को लेके जाना है। लेकिन यहाँ के ये तालाब है कोई साफ सफाई करता ही नहीं है। यहाँ के प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि तालाबों को साफ सुथरा रखें, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं कुछ भी। और यहाँ पे इनका सामान अटक गया था कुछ पूजा का। चाची देखो डंडे लेके जा रही है इसको हटाने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं पता अगर इनका पैर फिसल गया तो ये तालाब में गिर सकती है, लेकिन फिर भी ये हटा रही है इसको। तालाब तो सच में बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं करते हैं प्रधान वगैरह। और ये देखो यहाँ पे सब टूटा फूटा पड़ा। तो एक मौरी छठ तो सिर गई है, अब ये दूसरी वाली मौरी छठ सिर रही है। अच्छा, तो ये दूसरे लोगों की मौरी छठ है। तो जितने लोगों की शादियाँ होती हैं उनके जो पूजा का सामान होता है शादी का, वो सब यहाँ पे तालाबों में सिराया जाता है। तो गांव में अधिकतर तालाब ही होते हैं, यहाँ हमारे आसपास कोई नदी नहीं है। और ये बस यहाँ पे ये पानी भर के हम लोग अब घर जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आज बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये तालाब गांव से बाहर होता है इसीलिए थोड़ा दूर पड़ जाता है और पूरा मतलब गांव से उड़ते हुए होता है। और बारिश हो गई थी तो बहुत ज़्यादा कीचड़ ही कीचड़ भरे आए, तो यहाँ पे धीरे धीरे आना होता है क्योंकि पानी भरा हुआ है कलसी में। तो धीरे धीरे आ रहे हैं। पांच जने उतरवाते ही अब हम लोग घर आ गए हैं। और इसको अब चार पांच लोग मिलके नीचे उतारेंगे इस कलसी को। चार बुगा लगा दीजिए और इसके बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़केंगे। लगा दो, अब नहीं उतरी। लाइट आ रही है। तो यहाँ पे मौसी ने पानी को पूरे घर में छिड़क दिया है। छींटे मारना होता है और कुछ नहीं करना होता है। और यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं क्योंकि थक गए हैं, पूरा गांव घूम के आए हैं। और बारिश हो गई थी तो थोड़ा सा कीचड़ भी हो गया था। और ये है रात का टाइम जहाँ पे ये आंटी कुछ साड़ियों की तय बना रही हैं। तो सब लोग साड़ी देखते हैं तो थोड़ी सी ये बिगड़ जाती हैं, इनकी तय वगैरह बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे आंटी तय बना रही हैं और मम्मी रख रही हैं और यहाँ पे हम लोग भी बैठे हुए हैं, मौसी वगैरह बैठी हुई हैं। तो बस बातें वगैरह हो रही हैं और बस यही सब चलता रहता है कि कौन सी साड़ी रह गई हैं और कौन कौन सी चली गई हैं। तो सब लोग होते हैं तो ये सजी है मौरी छठ और ये रखी हैं साड़ियाँ, लूटने पर लगे हैं सब लोग। और ये सामान आया, सब लोग देखो मिल रहे हैं। ये है बेड शीट,
साड़ी है और ये है पैर दान वगैरह है। और मौसी देखो साड़ी छांट रही है, यहाँ पे ये देखिए साड़ियाँ फैली हुई हैं, सब लोग बस लूट रहे हैं साड़ियों को। और यहाँ पे ये सोनम लूट रही है और ये है मेरे चाचा की लड़की। हाय गाइस। और ये है आंटी, ये देखो साड़ी छांट रही है अपने अपने लिए और बहुत से लोग छांट के लेके चले गए हैं साड़ियाँ अपनी अपनी। और अभी जो लोग नहीं आए उनको बाद में दी जाएंगी इन्हीं में से साड़ियाँ। तो ये है इतनी सारी साड़ियाँ, तो ये सब सामान आता है मौरी छठ है। और ये है गांव के रीति रिवाज है जो हमारे यहाँ आता है, ये जिला जालौन में जो मौरी छठ चलती है शादी के बाद, तो लड़की वाले लड़के वाले के घर भेजते हैं कपड़े। और आंटी ने देखो साड़ी छांट ली है और बिल्कुल अकेले में साड़ी छांट रही है। ये छांटो छांटो। और ये चूड़ी भी आती है, चूड़ी है और ये वगैरह सब दे सकते हो आप। और ये सिंदी वगैरह है, मतलब सजाने के लिए घर को डेकोरेट करने के लिए भी सामान दे सकते हो। और घर की खाने पीने की चीजें भी आती हैं, मतलब जो आपको देना है घर गृहस्थी का सामान आता है। तो ये सब आया है यहाँ पे और साड़ियाँ छांटी जा रही हैं, सब लोग अपने अपने मन की छांट रहे हैं। और मौरी छठ हो गई है, सिर गई है, खाना पीना सब कुछ हो गया है और सब लोग रिश्तेदार आए थे, सब लोग अपना अपना साड़ी लेके चले गए हैं। तो इसमें जो सामान देना है वो दे सकते हैं अपनी मर्जी से, इसका कोई वो लिमिट नहीं होता है, सब चलता है इसमें। साड़ी वगैरह होती है और ये गृहस्थी का सामान होता है, ये रखे हुए हैं गृहस्थी के सामान होते हैं। तो चलिए वही साड़ियाँ छांट लेते हैं, मैं भी अपने लिए एक साड़ी छांट लेती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी साड़ी। और मुझे जो साड़ी मिलेगी मैं इनमें से जो भी साड़ी लूंगी वो जरूर दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।